आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्नैक्स रेसिपी लेके आई हूँ जो बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी पसंद आने वाली है। बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नए वीडियो पोस्ट होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए बनाने से पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चिली गार्लिक डिप। इसके लिए एक बोल में 2 टेबलस्पून मेयोनीज डालेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून टमेटो केचप डालेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे, आप इसमें गार्लिक क्रश करके भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून ऑरेगानो डालेंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चिली गार्लिक डिप रेडी हो गई है। अब हम पनीर बाइट्स बनाएंगे। सबसे पहले बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए एक बोल में 1/4 कप मैदा लेंगे और 1/4 कप ही कॉर्नफ्लावर लेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून अनियन पाउडर लेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, 1 टीस्पून इटालियन सीजनिंग डालेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। अब एक बार इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल के एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है कि ये पनीर को अच्छे से कोट कर ले। बिल्कुल ऐसा स्मूथ लम्प फ्री बैटर चाहिए हमें। हम 150 ग्राम पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे और अब इन पनीर के पीसेस को बैटर में डिप कर लेंगे। स्पून या फोक की हेल्प से इन्हें फ्लिप करेंगे ताकि ये बैटर से अच्छे से कोट हो जाए। अब इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। इसको रोल करते जाएंगे और सारी साइड्स पे ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करते जाएंगे। ये अच्छे से कोट हो गया है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसे डायरेक्टली फ्राई कर लें, दूसरा ऑप्शन है आप ये प्रोसेस रिपीट करें जिससे ये अच्छे से कोट होके बहुत क्रिस्पी बनेंगे। इसे बाहर से क्रिस्पी और क्रंची बनेगा ये और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। ये किसी भी पार्टी के लिए एक परफेक्ट स्टार्टर्स ऑप्शन है। ये हम डबल कोटिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से ऑयल भी कम अब्सॉर्ब होगा और पनीर भी अंदर से इसी वजह से सॉफ्ट रहता है। इसी तरह से सभी पनीर पीसेस को कोट कर लेंगे। अब इन्हें 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट बाद इन्हें फ्रिज से निकाल लिया है और अब इन्हें डीप फ्राई करेंगे। थोड़ी देर तक इन्हें टच नहीं करेंगे। कुछ देर बाद करछी की हेल्प से ऊपर की साइड पे गरम तेल डाल देंगे और फिर इन्हें पलट लेंगे ताकि सारी साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। अब ये फ्राई हो गए हैं, इन्हें एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। आपको मेरे चैनल पे और भी कई स्नैक्स रेसिपी मिल जाएंगी, आप उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसे ट्राई करें तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ। जल्दी मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।